अपनी जलसी और पागलपन में इस हद तक बढ़ जाएगी कि उमर को लेकर ठंडे पानी के नीचे जा खड़ी होगी। एमल की वजह से उमर बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। एनी के साथ साथ फाखरा बेगम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा शौक होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों बहनों को लड़ाते लड़ाते वो अपने ही पोते का नुकसान करने लग जाएगी। शहरियार अपनी बीवी के पागलपन से बहुत ज्यादा तंग आ जाएगा। जिस तरह एनी के बच्चे को देख जिस तरह वो पंगलों जैसी हरकतें कर रही है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शहरियार भी उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। और यही तो फाखरा बेगम चाहती है कि एक तो ये दोनों बहनें एक दूसरे का साथ देना बंद कर दे, दूसरी तरफ शहरियार भी अब आयमा के साथ शादी कर ले। अफान को तो वो देख ही चुकी कि वो किस तरह एनी का ख्याल रखने लग गया है। अफान को अब खुद भी एहसास हो चुका है कि उसे जल्द अज जल्द एनी को अपना लेना चाहिए। उमर और एनी की सेफ्टी के लिए उसे ये इकदाम करना ही पड़ेगा। अपने मरहूम भाई से किया गया वादा निभाने की खातिर उसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी ही होगी। अगर वो सित्रा से शादी करता है तो एनी बिल्कुल ही बेसहारा हो जाएगी। यहाँ पर अफान बहुत सोचने समझने के बाद घर वालों को जब अपने फैसले से आगाह करेगा कि वो महरोज की बेवा से शादी करना चाहता है तो गोया सब पर कयामत गुजर जाएगी। फाखरा बेगम ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका छोटा बेटा अपनी बेवा भाभी से शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। एनी की खातिर अफान ये फैसला कर लेगा और सब इसकी मुखालफत करेंगे। फाखरा बेगम एनी पर और ज्यादा ताने कसेंगी और उसे घर से निकालने की कोशिश करेंगी, मगर अब अफान डट कर खड़ा हो जाएगा कि वो एनी की तरफ उठी हुई एक निगाह भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नासरीन, आपको क्या लगता है, क्या एनी और अफान की शादी होगी या नहीं?